गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गला रेतकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। बता दें कि चौरी चौरा इलाके के बेलवा बाबू में 19 अक्टूबर को दोपहर के वक्त अज्ञात युवक की लाश मिली थी। उसकी पहचान चिलू आताल के संझाई नूरुद्दीन चक निवासी प्रॉपर्टी डीलर इंद्रासन और मंटू के रूप में हुई थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि 15 लाख रुपए बकाया मांगने का दबाव बनाने पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई थी। आप लोग अवगत हैं, कल थाना चोरी चौरा में लगभग 2:30 बजे के करीब एक लाश मिली थी। लाश के गले पर चोट के निशान थे। इसके बारे में इसी दौरान जो है मृतक पक्ष के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे चिलुआताल थाने पे गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए। इस सूचना पे SHO चिलुआताल को ये चीज़ स्ट्राइक की तो उन्होंने इसकी शिनाख्त के लिए चोरी चौरा भेज दिया। चोरी चौरा में इस व्यक्ति की शिनाख्त उसके परिवार वालों ने की। इंद्रासन निषाद था, संझाई गांव का रहने वाला। इस संझाई गांव मोहरीपुर के पास में ही है चिलुआताल थाने में। शिनाख्त के बाद गुलरिया पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम द्वारा इस मामले में बहुत त्वरित और सघनता से लग गए लोग, तो ये प्रकाश में आया कि इस घटना में कुल 5 अभियुक्त थे, जिनमें से 4 को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। और स्पेशली इस प्रकरण में जनपद की क्राइम ब्रांच टीम का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि इस घटना का अनावरण 24 घंटे से भी कम अवधि में हुआ और 5 में से 4 अभियुक्त जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इसमें जो है बरामदगी भी हम लोगों द्वारा की गई है। मृतक का जो है चेन, आधार कार्ड, उसका ATM कार्ड, घटना में जो स्विफ्ट कार खैर मृतक की ही है, उसको झांसा देके वहाँ नौतनवा महाराज बुलाया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और इसके अलावा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है और जेल भेजा जा रहा है। हत्या की वजह क्या थी? हत्या की वजह ये थी कि कन्हैया और मृतक आपस में मित्र थे। 15 लाख रुपए की टाइल्स जो है दिलवाई थी गुजरात से मंटू इंद्रासन ने कन्हैया को, और उन टाइल्स के बदले में 15 लाख रुपए ये मांगता था बार बार, क्योंकि इससे तगादा जो है गुजरात की पार्टी करती थी, तो वो पैसा न देना पड़े इसके लिए कन्हैया ने, और एक रमेश नाम का व्यक्ति है वो भी मुख्य अभियुक्त है जो कन्हैया का दोस्त है, इन दोनों ने साजिश करके अपने अन्य सहयोगियों की सहायता से उसको पैसा देने के लिए बुलवाया कि आओ जाए, ये कन्हैया है, इसकी नौतनवा में टाइल्स की दुकान है, तो वहाँ पर बुलवाया कि आओ तुमको पैसा देंगे, और फिर उसको ले जाके पैसा देने के बहाने इसको घुमाते रहे कि चोरी चौरा में पैसा मिलेगा। चोरी चौरा में आप लोग जान रहे हैं कि वहाँ ले जाके इन सब ने उसकी हत्या कर दी, गला काट दिया और फिर लाश फेंक के भाग गए। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive 24 News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।